नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, उड़द की दाल की खिचड़ी। मकर संक्रांति पे नॉर्थ में यूपी के साइड ये खिचड़ी बनाई जाती है। ये खिचड़ी को मैंने प्रेशर कुकर में नहीं, कढ़ाई में बनाया है और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए हमने ये सामग्रियाँ ली हैं। 200 ग्राम हमने ये नॉर्मल राइस लिया हुआ है, 150 ग्राम हमने ये काले छिलके वाली उड़द की दाल ली हुई है। मकर संक्रांति पे ये उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। हमने ये ग्रीन पेस्ट लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, 8-10 लहसुन की कलियाँ, 1 अदरक का टुकड़ा हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। हमने मसालों में ये 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 3 टेबल स्पून देसी घी लिया हुआ है। आप इसके पहले ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हमने 1 ऑनियन को बारीक चॉप कर लिया है, 1 आलू को हमने ऐसे काट लिया हुआ है, थोड़ा सा कॉलीफ्लावर, ये हमने फ्रेश ग्रीन पीस लिया हुआ है, हमने ये अदरक के टुकड़े को थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है, 1 टमाटो को बारीक चॉप ऐसे बड़े पीसेस में किया हुआ है, 1 हमने तेजपत्ता लिया है। हम एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर हम ये चावल और उड़द की दाल को भिगो के रखेंगे। चावल हमने डाल दिया, उड़द की दाल को भी हम डाल देंगे। अब इसके अंदर हम वाटर डाल के चावल और दाल को अच्छे से मिक्स करके रख देंगे साइड में 10 मिनट के लिए। चावल अच्छे से भीग चुका है। गैस पे हमने कढ़ाई पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। अब इसके अंदर हम घी डालेंगे, आप घी के बदले ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम जीरा डालेंगे और तेजपत्ता, और जीरा को हम थोड़ा सा पका लेंगे। जीरा पक चुका है, अब इसमें हम कटे हुए ऑनियन डालेंगे। ऑनियन को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा पका लेंगे। ऑनियन हमारा पक चुका है, अब इसके अंदर हम कटे हुए कॉलीफ्लावर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ कटे हुए आलू डाल लेंगे। आलू को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूनने के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी को हम एक बार फिर से चला देंगे। सब्जी हमारी हल्की सी भून चुकी है, अब इसके अंदर हम एक ग्रीन पेस्ट डालेंगे। ग्रीन पेस्ट से हमारे खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ग्रीन पेस्ट को हम सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रीन पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें हम ये हरे मटर डालेंगे। हरे मटर को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, इसे हम फिर से एक बार चला लेंगे और हमारे सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम ये भिगोया हुआ चावल और उड़द का दाल डालेंगे और चावल और उड़द के दाल को सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अच्छे से टमाटर और नमक को मिक्स कर लेंगे। टमाटर और नमक अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें हम वाटर डालेंगे। नॉर्मल ग्लास से मैंने इसमें 3 ग्लास वाटर डाला हुआ है।
सारे वेजिटेबल को और चावल को और दाल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। अदरक ग्रेट किया हुआ डालने से हमारे खिचड़ी का टेस्ट और अच्छा आएगा। अब इसे हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुका है, हमारी खिचड़ी जो पक चुकी है। इसे हमने बीच बीच में एक दो बार चलाया हुआ है, इसे हम फिर से एक बार चला देंगे। आप देख सकते हैं हमारी खिचड़ी पक चुकी है। अब इसे हम सर्व करेंगे एक बाउल में। अब आप इसे घी के साथ, दही के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये खिचड़ी की रेसिपी को मकर संक्रांति पे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।